हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। गाइस काफी दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिससे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या क्रेडिट बी ने लोन देना बंद कर दिया है, हमारा लोन रिजेक्ट हो रहा है। हमने यहाँ से पहले लोन लिया था, दोबारा जब हम लोन अप्लाई कर रहे हैं फिर से रिजेक्ट कर रहा है हमारा लोन। कोई बोल रहा हमने टाइम से रिपेमेंट किया लेकिन फिर भी लोन रिजेक्ट कर रहा है, यार समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा लगती है, जब हम लोन लेते हैं प्रोसेसिंग फीस लगती है प्लस इंटरेस्ट लगता है, तो यार हमें कोई तरीका बताओ कि हम यहाँ पर जीरो प्रोसेसिंग फीस पर लोन ले सके। तो गाइज आज मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में क्रेडिट बी से लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। मुझे यहाँ से पहले से अप्रूवल मिला हुआ है, पहले से क्रेडिट लाइन मिली हुई है, क्या मुझे भी यहाँ पर लोन देता है या नहीं देता है मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दूसरी बात, जीरो प्रोसेसिंग फीस पर आप कैसे लोन ले सकते हैं क्रेडिट बी से, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। कैसे आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट बी से लोन लेकर, ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। यानी आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है आज क्रेडिट बी पर, वीडियो बने रहना गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और गाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक। उसके बाद गाइज आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है और ये देखना है कि आपकी जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रही है, अगर अपडेट मांग रही है तो उसको अपडेट कर ले। उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन आपके सामने है, देख सकते हैं गाइज यहाँ पर क्रेडिट बी आपको दिखाई दे रही है। 3 लाख तक का लोन अभी आप यहाँ पर ले पाएंगे, कंज्यूमर लोन ले पाएंगे, आप यहाँ पर जो है फ्लेक्सी लोन ले पाएंगे, आप यहाँ पर सैलरी लोन ले पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा है गाइज, अपने लिमिट को इंक्रीज भी कर पाएंगे, ठीक है। लिमिट इंक्रीज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो में बने रहना गाइज, ठीक है, क्योंकि बीच में आपको यहाँ पर पता चलने वाला है कैसे आप 0% फीस पर लोन ले सकते हैं क्रेडिट बी से। तो फिलहाल मैं करता हूं इसको ओपन, और ओपन करने के बाद गाइज अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर आपने अभी तक क्रेडिट बी से लोन नहीं लिया है तो गाइज आपने क्या देखी, अगर ये नहीं देखी एप्लीकेशन, क्रेडिट बी नंबर 1 ऐप है अभी भारत के अंदर जो इंस्टेंटली लोन देती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आप यहां पर ले सकते हैं गाइज। देख सकते हैं 3 लाख रुपए तक का आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड है तो यह सैलरीड को मिलता है लोन 3 लाख रुपए तक का, लेकिन हम आज ये भी देखेंगे क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देता है या नहीं देता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन भी होती है बहुत मेरे भाइयों के अंदर। तो मैं यहाँ पर ये 3 लाख रुपए का लोन भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में हूँ और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक ठीक है, वीडियो बने ना। दूसरा लोन है यहाँ पर मेरा ये फ्लेक्सी पर्सनल लोन जिसे मुझे लिमिट मिली है 44,000 रुपए की, देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 9 महीने तक के लिए मैं आसानी से ले पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर 0% प्रोसेसिंग फीस पर हम इस लोन को आज लेकर दिखाने वाले हैं अभी आपको, क्योंकि हम कर रहे हैं सेकंड लोन अप्लाई। जो मेरे भाई मुझे बोलते हैं कि भाई सेकंड लोन नहीं दे रहा है, लोन रिजेक्ट कर रहा है, टाइम से रिपेमेंट कर रहे हैं फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, क्यों करता है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, जब आप सेकंड टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले अगर आपने कोई लोन की ईएमआई टाइम से नहीं पे की है या फिर किसी और लोन की टाइम से नहीं की है या फिर आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो गया है, इस वजह से आपका सेकंड लोन रिजेक्ट हो जाता है गाइज। ये कारण होते हैं आपके सेकंड लोन को रिजेक्ट होने के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो परचेज लोन है 77,000 रुपए की जिसकी मुझे मिली हुई है लिमिट, पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कुछ एक नई अपडेट आई है, वो क्या है चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। पहले ही 77,000 रुपए का लोन आप अमेजोन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए यहीं से ले सकते थे, यहाँ पर आपके लिए जन जो है ना गिफ्ट वाउचर मिलते थे आपको, जिनको आप ऐड कर सकते हैं जाकर अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर और शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर चेंज हो चुका है, अभी आप जो ऑफलाइन स्टोर में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट बी को यूज करके ऑफलाइन में। यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट है ओनली 18% पर एनम का, 2 लाख से ज्यादा ऐसे ऑफलाइन मर्चेंट स्टोर है जहाँ पर आप शॉपिंग कर पाएंगे, 5 लाख ज्यादा ऐसे ऑनलाइन मर्चेंट स्टोर है जहाँ पर आप शॉपिंग कर पाएंगे, 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे, नहीं 1 लाख रुपये तक की लिमिट आपको मिल सकती है, फ्लेक्सिबल ईएमआई आपकी होती है। आप कैसे कर पाएंगे, देखिए जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑफलाइन स्टोर में जाकर शॉपिंग करने का, वो क्या है, पाइन लैब में, जब आप पाइन लैब की जो पीओएस मशीन होती है आपको पता होगा, जब आप ऑफलाइन स्टोर में जाएंगे मोबाइल वगैरह जो भी कुछ लेंगे आप, तो वहां पर जो है ऑप्शन आता है पाइन लैब के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट भी लिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब वो शॉपिंग जब वो बताएगा तो आपको वहां पर आपका मोबाइल नंबर देना होता है ओनली, और जैसे आप मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डालेंगे आपका पेमेंट वहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप वहां पर लेंगे। ये पाइन लैब और एम स्वाइप के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप जिस कंपनी में शॉपिंग कर रही हैं वहां पर कैश फ्री पेमेंट का ऑप्शन अगर आ रहा है, पेयू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको वहां पर क्रेडिट भी दिखाई देगा, ठीक है, देख सकते हैं यहां पर क्रेडिट भी आपको चूज करना है और अपना पेमेंट वहां पर कर देना है। ये है ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज करने का ऑप्शन क्रेडिट भी के अंदर। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है गाइस, ये जो 3 लाख रुपए का लोन है क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता है या नहीं मिलता है, चलिए ये देखते हैं हम। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये 3 लाख रुपए का लोन है, अगर मैं 3 लाख का लोन लूँ तो प्रोसेसिंग फीस लेगी 3% गाइस, देखिए 3% 18% लगेगी उस पर जीएसटी, 18% लगेगा इंटरेस्ट, 24 महीने का ये लोन है। अप्लाई नो पे क्लिक करूँ अगर मैं तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर आप होंगे सैलरीड तो गाइज आपको यहाँ पर कंपनी के लिस्ट में
कंपनी चूज करनी है और आपको यहाँ पर प्रूफ में सैलरी स्लिप देनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सैलरी मोड आपको चूज करना होगा चेक, कि हम चेक से पेमेंट करते हैं। सैलरी कितनी है नीचे बताना होगा, कंफर्म करना होगा, सबमिट करना होगा। अगर हम करें यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड तो ओनली यहाँ पर हमें अपनी इनकम बतानी होगी और मैं अपनी इनकम यहाँ पर बता रहा हूँ भैया अभी 92,000 और मैं करता हूँ इसको सबमिट। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 25,000 से नीचे आपको नहीं डालना है। नीचे साफ साफ लिख रखा है 25,000 ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक करते हैं। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो गाइस देखिए, वी रिगार्ड इन्फॉर्म यू दैट सैलरी एडवांस लोन ओनली जो है ना सैलरी प्रोफेशनल को हम दे रही है ये आपको नहीं मिल सकता है, मना कर दिया, नीचे आ गया, लॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलने वाला है जो मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया। अब करते हैं हम सेकंड लोन जो हमारा 44,000 रुपये का, ये वाला अप्लाई। अब यहाँ पर आप कैसे 0% इंटरेस्ट पर, सॉरी 0% प्रोसेसिंग फीस पर ले सकते हैं क्रेडिट बी से लोन, चलिए वो हम देखेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है गाइस, देखिए क्रेडिट बी अपने कस्टमर को बार बार ऑफर करता रहता है कि आपको हम इतने परसेंट की छूट पर, प्रोसेसिंग फीस की छूट पर लोन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो वो कहां पर पता चलेगा आपको, वो जाना है आपको आपके मैसेज के अंदर। मैसेज के अंदर देखिए क्रेडिट बी के मेरे कितने सारे यहां पर मैसेज आए हुए हैं, डेली मेरे पास मैसेज करता है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं बहुत सारे मेरे पास मैसेज है, देखिए यहां पर 70% ऑफर योर नेक्स्ट लोन। ठीक है, तो आज का जो लेटेस्ट मैसेज है मेरा गाइस, आप जाइए अपने मैसेज के अंदर, वहां पर जाकर क्रेडिट बी सर्च करने के बाद आप देखिए आपके लिए कोई वहां पर ऑफर तो नहीं है। तो यहां पर मेरे लिए क्या ऑफर है, डियर क्रेडिट बी कस्टमर अवेल डिस्काउंट फ्लैट 100% ऑन योर नेक्स्ट लोन प्रोसेसिंग फीस बाय यूजिंग कोड KRD 100। अगर मैं KRD 100 लगाऊंगा तो मेरा जो प्रोसेसिंग फीस है वो जीरो हो जाएगी। चलिए देखते हैं गाइज। तो फिलहाल ये जो बैंक ट्रांसफर करने के लिए मुझे बोल रहे हैं 9 महीने के लिए हम आपको 44,000 का लोन दे रहे हैं। जब आप ये लोन ले लेंगे उसके बाद 2,00,000 का लोन आपका अनलॉक हो जाएगा 12 महीने के लिए। तो फिलहाल मेरा अनलॉक है 44,000 और 2,00,000 है लॉक। गेट नाउ पे क्लिक करते हैं और जैसे हम गेट नाउ पे क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट इंक्रीज लिखा रहा है, योर क्रेडिट लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, ये इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इससे पहले मेरी 42,000 थी, 2,000 मेरे इन्होंने बढ़ाई है अभी अभी, मैं जस्ट इससे पहले जब मैंने उसको अपडेट करके देखा था। तो मैं करता हूं उसको कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद गाइस देखिए यहां पर क्या हो गया भैया, अब क्या बोल रहा है, गेट नाउ पे क्लिक कीजिए, गेट नाउ पे क्लिक कीजिए, अभी यहां पर क्या आ गया ऑप्शन, कितने महीने के लिए आप ये लोन ले रहे हैं। तो देखिए गाइस हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि भाई 44,000 रुपये का लोन आपको मिल रहा है 9 महीने के लिए, इससे कम अगर आप लेना चाहते हैं तो 33,000 रुपये का लोन आपको मिलेगा यहाँ पर 7 महीने के लिए। तो मैं अगर करूँ यहाँ पर 44,000, यहाँ पर मेरी EMI होगी 54,000, ओ सॉरी यहाँ पर मेरी EMI होगी 5,455 रुपये। मैं अगर यहाँ पर जो है 5,455 को गुना करूँ 9 महीने से तो यहाँ पर मेरे जा रही है 49,095 रुपये, यानी तकरीबन गाइस मेरे यहाँ पर जा रही है 5,000 एक्स्ट्रा 9 महीने में। तो चलिए हम करते हैं व्यू समरी चार्जेस पे क्लिक। अभी यहां पर क्या हुआ देखिए गाइस, यहां पर क्या है, टोटल इंटरेस्ट लग रहा है मेरा 5,097 रुपए, 27% पर एनम का इंटरेस्ट, 44.29% पर एनम एनुअल परसेंटेज रेट हो गया टोटल। इंश्योरेंस लग रहा है 519 रुपए का, लेकिन इस इंश्योरेंस को मैं अभी हटाने वाला हूं और यहां पर क्रेडिट सेल स्कोर को भी मैं हटाऊंगा, ये दो तो हट चुके हैं। ठीक है, अभी क्या रह गई हमारी प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है 2864 रुपए, अभी हमें इसको हटाना है। तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, अपना वो कूपन लगाएंगे KRD वाला, KRD 100, ओ सॉरी अप्लाई, देखते हैं हमें यहां पर मिलता है या नहीं मिलता है, झूठ बोल रहे हैं आपका भाई, आपको जो भी दिखाता है लाइव प्रूफ के साथ दिखाता है, वीडियो लाइक नहीं करते यार। अभी हमारा कूपन अप्लाई हो रहा है, आप वीडियो को लाइक कर लो। जी गाइज जो प्रोसेसिंग फीस थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और फिर भी यहाँ पर ये भाई लोन डिसबर्स लोन डॉक्यूमेंट्स फीस तो लेंगे ही लेंगे यार, कमाल की बात है, 200 रुपये तो फिर भी लेंगे, मानने वाले नहीं है ये चोरी, हमें तो चाहिए भैया 200 तो चाहिए। चलिए भाई साहब, तो अब हम यहाँ पर देखिए गाइस, अभी हम 9 महीने के लिए लोन ले रहे हैं 44,000 का, 43,800 अभी हमारे अकाउंट के अंदर आएंगे, पहले यहाँ पर 42,000 से भी कम आ रहे थे क्योंकि 2864 रुपये की भाई प्रोसेसिंग फीस लग रही थी, 2864। देखिए भाई कितना बड़ा डिस्काउंट मिला है, और मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में 0% इंटरेस्ट पे आपका भाई, और मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में 0% प्रोसेसिंग फीस पर मैं आपको लोन लेकर दिखाऊंगा क्रेडिट बी से लाइव प्रूफ के साथ में, और मैं आपको सेकंड नहीं, ये तकरीबन 6-7 बार लोन ले रहा हूँ यहाँ पर, अभी तक मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ है। अभी चलिए 9 महीने के लिए हम लोन लेते हैं, हमारी ईएमआई हुई 5,097 रुपए की, चलिए लेकर आपको दिखाता हूँ यार क्या दिक्कत है। आपका भाई आपके लिए सब कुछ करता है, 5,000 एक्स्ट्रा जाएंगे नो प्रॉब्लम, आपके लिए है सब कुछ गाइस, आपके लिए, मुझे जरूरत नहीं है लेकिन आपके लिए। व्यू समराइज शेड्यूल पे क्लिक करते हैं,
अभी क्या हुआ, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ चुका है 5455 की EMI है, 5455 की EMI है, ये वो सब कुछ लिखा आ चुका है। 2% ओवरड्यू लगेगा आपका अगर आपने ओवरड्यू किया, ये वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बता दिया। इंटरेस्ट 990, 890, 780 यहाँ पर लिखा है, पूरे शेड्यूल हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। अब करते हैं हम इसको कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद अभी हमें यहाँ पर लोन प्रपोज करना है, किस चीज़ के लिए हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं, वेडिंग एक्सपेंसिस कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद गाइज अभी ये बोले कि अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर चूज कर लीजिए, कौन से बैंक के अंदर आप पैसे लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अभी फर्स्ट वाला ही बैंक अकाउंट चूज, मैं करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। और जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अभी हमें यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद फेस आईडी वेरिफिकेशन करनी होगी। यार दाढ़ी आ रही है मुंह पे ज़्यादा, पता नहीं है लेगा नहीं लेगा, ठीक है। मैं आपको यार सब कुछ ना गाइस लाइव प्रूफ के साथ दिखा दो, देखिए पूरा एग्रीमेंट आ चुका है, कितना लंबा चौड़ा एग्रीमेंट है, ये पढ़ लो। कंटिन्यू करना है आपको, साइन करना है यहाँ पर, कंटिन्यू करना है एक बार फिर से, और यहाँ पर आपको सब कुछ ये करना है। OTP आपके पास आएगी, ये आपके साइन हो रहे हैं गाइस, डिजिटल साइन बोलते हैं इनको, ठीक है। मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ गाइस, कुछ भी इसके अंदर जो चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है, मैं करता हूँ इसको सबमिट। अभी क्या बोल रहा है, एक सेल्फी अपलोड कर दो। चलिए भाई साहब क्या हाल हो गया भैया, फेस आईडी वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। और गाइस अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन सेक्शन लेटर जो है हमारा आ चुका है। ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। 1 घंटा नहीं लगता है गाइस, मुश्किल से बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं क्रेडिट बी के अंदर। मैं आपको यहाँ पर ना दिखाऊंगा, अभी यहीं पर हूँ आपके सामने ही दिखा रहा हूँ सब कुछ, देखते हैं। ये लिख रखा है ना कंटिन्यू 30 सेकंड नीचे यहाँ पर चल रहा है, 11 सेकंड 13 सेकंड, ये वो है कि इतनी देर में आपके पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर जो है गाइस देखते हैं पैसे हमारे अकाउंट के अंदर कितना टाइम लगाते हैं आने में। 44,000 रुपये का लोन मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ लेकर दिखाया क्रेडिट बी से, 3 लाख रुपये का लोन मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, वो केवल सैलरीड को मिल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलेगा, लॉक हो जाएगा अगर आपके लिए अनलॉक हुआ है। और यहाँ पर जो है गाइज परचेज लोन ही मिलता है, ये जो परचेज लोन है जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं लोन ऑफलाइन, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे आप इस लोन को ले पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है पैसे तो अकाउंट के अंदर नहीं आए हैं, ठीक है। और यहाँ ओ भाई यहाँ पर क्या हुआ गाइज, जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद गाइज देखिए यहाँ पर क्या लिखा। तो गाइज देखिए यार, हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया, हमारा लोन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया इसने यार। 6 महीने का टाइम दे दिया कि 6 महीने बाद ट्राई करना, अभी हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। जो मेरे भाई मुझे बोल रहे थे ना कि भाई ये कंपनी भी बार बार हमारा लोन रिजेक्ट कर रही है, हमें लोन नहीं दे रही, देखिए गाइज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा चुका है, सॉरी वी कुड नॉट अप्रूव योर लोन एप्लीकेशन ऑन क्रेडिट बी ऑन दिस मोमेंट, प्लीज रीअप्लाई ऑन करेक्ट डिटेल कंटिन्यू। करेक्ट डिटेल मतलब क्या हुआ, और मुझे लग रहा है यार प्रॉब्लम शायद मेरी फेस आईडी से हुआ है यार, मुझे लग रहा है क्योंकि यार पहले ना मेरी दाढ़ी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और अभी यहाँ पर हो सकता है कि इनको ऐसा लगा हो कि भाई ये बंदा कोई और है अभी यहाँ पर ये जो अप्लाई कर रहा है, और ये गलत हमें यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, शायद हो सकता है कि ऐसा हुआ हो गाइस, ठीक है। लेकिन मेरा लोन कुल मिला के बात यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर जो है गाइज मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया गाइज, आप देख सकते हैं। ये तो सब कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया था, अप्रूवल मिल गया था, सब कुछ हो गया था गाइज, लास्ट तक मैंने आपको दिखाया, लेकिन लास्ट में जाने के बाद गाइज यहाँ पर जो है लोन रिजेक्ट कर दिया, और 6 महीने का टाइम इन्होंने दे दिया कि 6 महीने बाद ट्राई करना गाइज। तो यार क्या करें गाइज, आप तो सही बोल रहे थे, ये देखो क्या हुआ है गाइज, लोन रिजेक्ट हो गया यार, कमाल हो गया भैया, लोन रिजेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं गाइज, मैंने तो आपको दिखाया लाइव प्रूफ के साथ में, कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। और यहाँ पर 1 घंटे में बोले थे पैसे दे देंगे, 1 घंटे के बाद जो है पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ठीक है। मुझे लग रहा है प्रोफाइल का मामला कुछ ना कुछ आया है गाइज, क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्रोफाइल वेरिफिकेशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले जो फोटो है उसमें राज में चेंजिंग है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बोल रहा था ना उस टाइम भी कि भाई हो सकता है कि मेरा जो फेस आईडी है वेरिफिकेशन ना हो, इस वजह से मेरा यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है गाइज, ठीक है। तो कुल मिला के बाद गाइज ये है मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाया है, क्रेडिट बी से आपको लोन अप्लाई करके, और क्रेडिट बी ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ ये भी दिखाया है। हालांकि लास्ट तक हम पहुंच गए थे, पैसे आने वाले थे बस, लेकिन लास्ट में एंड टाइम पर इन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया लोन को, ठीक है। बस इसमें क्या कर सकता हूँ यार, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज आज के लिए बस इतना ही, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कुछ पूछना चाहते हैं।